हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करू बॉयज। और एक बार हम फिर आ गए हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की लेटेस्ट खबरों के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दया बेन उर्फ दिशा वखानी, जो कि शो में लंबे समय से बाहर है, उनकी वापसी को लेकर काफी समय से सस्पेंस बना हुआ है और दर्शकों को भी दया बेन की वापसी का इंतजार है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने क्लियर कर चुके हैं कि शो में अब उनकी वापसी नहीं होगी। हालांकि नई दया बेन कौन होगी यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन नई एक्ट्रेस की तलाश अभी भी जारी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर 2015 में दया बेन ने मयूर पंड्या से शादी कर ली थी और उसके 2 साल बाद 2017 में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। तब से अब तक करीब 1.5 साल हो चुके हैं और वो मैटरनिटी ब्रेक के बाद अभी तक शो में नजर नहीं आई है। शो के मेकर्स ने दिशा को 30 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो मेकर्स ने उन्हें रिप्लेस करने का फैसला किया। लेकिन हालांकि रिपोर्ट से माने तो दया बहन की किरदार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। जानकारी मिल रही है कि दया बहन का किरदार करने वाली दिशा वखानी की शो में वापसी हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा वखानी 18 मई को शो में वापसी करेगी। इस खबर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस की खुशी की लहर है। बता दें कि दिशा वखानी 2017 से शो से बाहर है, लेकिन अब ऐसी जानकारी आ रही है कि शो में दया बहन की वापसी फिर से होगी। दोस्तों, बट अब हमें यह देखना होगा कि यह खबर कितनी सच है और कितनी झूठ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।